नमस्कार दोस्तों, भारत के सबसे फेमस हिल स्टेशनों में से एक शिमला का आज YT भारत पर मैं स्नोफॉल प्रेडिक्शन वीडियो लेकर के आ गया हूँ। शिमला के साथ साथ आज मैं आपको कुफरी और नारकंडा का भी लाइव स्नोफॉल प्रेडिक्शन बताऊंगा कि कब आपको 10 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2022 के बीच में लाइव स्नोफॉल देखने को मिल सकती है, या लाइव ना मिले तो गिरी हुई स्नोफॉल कब देखने को मिल सकती है। तो यदि आप शिमला घूमने का प्लान बना रहे हैं नवंबर में और आपकी इच्छा है कि आपको स्नोफॉल देखने को मिलनी चाहिए, तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक समझ में आ जाएगा कि आपकी ये जो ड्रीम है ये पूरा होगा कि नहीं होगा। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने YT भारत चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि इसी तरह की लाइव स्नोफॉल प्रेडिक्शन आपको लगातार पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले शिमला शहर का आपको लाइव स्नोफॉल अपडेट बता देता हूं। जो आप स्क्रीन पर अभी चार्ट देख रहे हैं, उस चार्ट के मुताबिक 10 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में हल्की फुल्की बारिश को अगर हम छोड़ दें तो स्नोफॉल की कोई भी संभावना बनती हुई नहीं दिख रही है। तो शिमला शहर में तो 10 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर यानी कि पूरे नवंबर के अंदर स्नोफॉल नहीं पड़ने वाली है, ना तो लाइव पड़ेगी ना आपको गिरी हुई मिलेगी। अब चलते हैं नारकंडा आपको लेकर के। नारकंडा के बारे में मैं आपको सबसे पहले जानकारी देता हूँ। शिमला सिटी से यानी कि माल रोड से अगर आप लगाओ तो 60 किलोमीटर लगभग इसकी दूरी पड़ती है वन साइड से। बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। जब शिमला के अंदर स्नोफॉल नहीं मिलती तो नारकंडा में कहा जाता है कि आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। इसलिए अभी आपको बताना ये जरूरी पड़ जाता है कि 10 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में बर्फबारी है। तो जैसा आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, एक आध दिन की अगर हम रेनफॉल को छोड़ दें तो आपको स्नोफॉल नहीं देखने को मिल सकती। तो नारकंडा में पूरे नवंबर में भी आपको स्नोफॉल नहीं देखने को मिलेगी, तो नारकंडा जाने का भी कोई सवाल नहीं उठता। अब चलते हैं आपको लेकर के कुफरी। कुफरी लगभग 15 किलोमीटर दूर है शिमला के माल रोड से। बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, जहां पर जो भी लोग शिमला जाते हैं एक बार कुफरी जाना ज़रूर पसंद करते हैं। जब आप कुफरी जाते हैं शिमला से तो आपको कुफरी फन वर्ल्ड रास्ते में एक मिनी एडवेंचर एक्टिविटी पार्क मिलता है, जहां पर आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। बर्फबारी के दिनों में यहां पर स्कीइंग और ट्रैकिंग एक सबसे फेमस एक्टिविटी बन जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि 10 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में क्या लाइव स्नोफॉल मिलेगी? तो चार्ट आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि कुफरी शिमला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर स्नोफॉल मिलनी चाहिए थी तो वो भी नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर के आप देखो तो शिमला सिटी जो माल रोड के आसपास है, उसके बाद कुफरी और नारकंडा, कहीं भी पूरे नवंबर 2022 के अंदर स्नोफॉल नहीं देखने को मिल रही है। तो यदि आप प्लान बना रहे थे कि शिमला में लाइव स्नोफॉल देखेंगे या गिरी हुई स्नोफॉल में एंजॉय करेंगे, तो आपके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है। बाकी शिमला बहुत ही प्लीजेंट वेदर वाला एक हिल स्टेशन है। मैं लगभग 3-4 बार जा चुका हूँ पिछले 5 सालों के अंदर, हर मौसम में गया, बहुत ही आनंद उठाया। और अगर आप लोग जा रहे हैं तो आपको अच्छा मौसम देखने को मिलेगा, लेकिन अभी स्नोफॉल नहीं मिलेगी। आगे दिसंबर की जो लाइव स्नोफॉल प्रेडिक्शन वीडियो है शिमला से, वो आपको मैं दूंगा नवंबर के लास्ट वीक में। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर स्नोफॉल देखनी है तो दिसंबर में जाना है कि नहीं जाना है। बाकी बने रहिए YT भारत पर, लगातार अलग अलग डेस्टिनेशन के ट्रैवल पैकेज, चाहे इंडिया के हों या इंटरनेशनल के हों, उसको बुक करवाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। जानकारी हासिल करिए और इन ट्रैवल पैकेजेस को जल्दी से जल्दी बुक करवा लीजिए, क्योंकि अब मेन सीजन आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए YT भारत पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए
पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में।